हाल है दोस्तों, अगर आए दिन आपको रोड पे कोई कपड़े फाड़ता हुआ दिख जाए, जोर जोर से चिल्लाने का, मैं बच्ची हो क्या, छोटी बच्ची हो क्या, मुझे घर जाना है, तो समझ जाना उसने इस स्टार को देखा है। चलो छोड़ो, दुनिया के सारे यूट्यूबर्स इसको रोस्ट कर रहे होंगे, लेकिन हम इसकी मूवी का देंगे रिव्यू। ये भगवान क्या जुलुम है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। चलो अब बात करते हैं ट्रेलर की। अच्छा, अरे नहीं नहीं नहीं, ये है अनाउंसमेंट, सॉरी ट्रेलर तो भी आना है, अनाउंसमेंट है 3 मिनट की, ट्रेलर होगा 15 मिनट का और टीजर होगा 1 घंटे का, और मूवी मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साला, मूवी तो आपको घर आके दिखाएंगे ना भाई साहब, सारे एक एक करके, वो कहते हैं जन पोलियो पिलाने के लिए मैडम घर आए हैं, वैसे ही पिलाएंगे आपको। कौन है, कहां से आते हैं, दिखाएंगे आपको मूवी। यह देश बदल रहा है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है ना। और इसको देखने के बाद पहले मैंने 10 बार मुंह धोया, उसके बाद आंखों में खीरे लगा के 24 घंटा सोने के बाद मैं आपके पास मूवी का रिव्यू देने आया हूँ। यानी कि मेरे को इतना डर लग गया कि डायरेक्टर ने हमारे टाइगर श्रॉफ को इस बार भी खुले शेर की तरह छोड़ ना दिया हो। उसको बोला बेटे कैमरा ऑन है, हो जा शुरू, सिनेमैटिक के लिए हम लाइट कम कर रहे हैं, पब्लिक तो पागल है, उसको पता नहीं है, तो शुरू हो जा, कुछ भी कर, हम एडिट कर लेंगे, हम देख लेंगे उसको बाद में, तू कर। दुनिया की शुरुआत बंदर से इंसान बन के हुई थी, लेकिन इसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब इंसान भी बंदर बन रहा है। सर, मैं पीटी टीचर हूँ इंडिया। अबे तू पीटी टीचर है फिर इतना उड़ क्यों रहा है? श्री 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 माननीय टोनी कक्कड़ जी आपके ऊपर रैप सॉन्ग लिख देंगे। जॉनी, और मेरे को ये नहीं समझ आता कि इस फिल्म की स्टार्टिंग में ये वार्निंग क्यों देते हैं, नो स्मोकिंग नो ड्रिंकिंग। अरे किसी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से तो पूछा कि कौन सा माल फूक के मूवी लिखी थी। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। एक दिन ऐसा आएगा कि प्रोड्यूसर से पैसा खींच लिया जाएगा, डायरेक्टर के लिए अनशन ले लिया जाएगा और राइटर से पेन खींच लिया जाएगा। निकालो मुझे वहां से। देखो मेरी मन की बात यार, मैं लिटरली नहीं चाहता कि टाइगर श्रॉफ के ऊपर कोई और मेम बनाए यार, लाइक छोटी बच्ची हो गई ये सुन सुन के मेरे कान पक चुके हैं रे बाबा, और मैं नहीं चाहता आपको इसके ऊपर ऐसा मेम बने। और साउथ की हीरोइन डेब्यू कर रही है यार, इट्स वाज रियली नाइस, क्योंकि हमारे बॉलीवुड अब तक जाके साउथ में डेब्यू दे रहे थे यार, अब बारी बॉलीवुड की है, तो लेट्स सी, अगर कुछ अच्छी स्टोरी निकली तो बम फाड़ेगी यार, क्योंकि हमारा टाइगर श्रॉफ नॉट अ बैड एक्टर यार, उसकी तिच्छी बॉडी है, कुछ तो फायदा होगा, कपड़े फाड़ एक्टिंग करता है यार बॉडी दिखाने के लिए। बाकी अनाउंसमेंट तो हो चुकी है मूवी की, और ज़्यादा रोस्ट नहीं करूँगा यार, क्योंकि ऑलमोस्ट पर्सन रोस्ट ही कर रहे हैं, और मुझे पता है जब जिस स्टेज पे एक रोस्टिंग आती है ना, तो उस स्टेज पे कुछ धांसू भी निकल के आते हैं। गाइस वीडियो देख के कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और कमेंट करिए कि आपको कितनी एक्सपेक्टेशंस है इस मूवी से, और मुझे तो ज़्यादा खास एक्सपेक्टेशन लग नहीं रही लोगों की, आप बताओ आपकी क्या राय होती है, और आपके हिसाब से क्या ये मूवी चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी, या जो भी आपका रिव्यू होगा आपको अच्छी लगे या ना लगे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब अस एंड स्टे विद अस विद आवर फैमिली।